अस्सलामु अलैकुम। तो पब्लिक हाउ आर यू। वाइपर टाइगर, नोट कर देना ये नाम। सेकंड नंबर पे मेरा नाम आया था, आई एस आई लियो। और सोलो स्क्वाड खेल रहा हूँ, सोलो उतरा था। स्टेडियम पे थोड़ा रश खेलने का मूड था, तो बंदा मैंने देखा तो थोड़ा लेट उतरा, तो उसको हमने लूट करने नहीं दिया। हुसैनी क्रेजी नाम था। और अब हमने सोचा चलें कि थोड़ी सी लूट और करते हैं। और मेरा एक अजीब सा कहते हैं ना कि यार मुझे लूट की इतनी भूख नहीं होती, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मुझे एक SMG मिला है और एक DP, मैं वही लेके, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। स्टेडियम उतरा हूँ, मतलब लोग कहते हैं स्टेडियम की थोड़ी सी लूट अच्छी हो। मैं उतरा हूँ स्टेडियम और ये देखें, मैं ऊपर छत पे से एक गन लिया था AKM, और नीचे उस AKM को रिप्लेस किया DP से, और एक SMG मिली है 50 MO के साथ, 30 उसमें 90 MO, 30 तो 120 MO के साथ मैं बाहर आ गया हूँ फाइट लेने, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये समझ लगी, इसको इतनी पड़ी है, ये देखें इतनी इसको पड़ी है, बिल्कुल 27 में से 20 MO तो इसके ऊपर कम पड़ी है इसको। अब यहाँ पे इसको वैसे भी पड़ी है, फिर मतलब मैं ये सर्वर खेल रहा था नॉर्थ अमेरिका। अब यहाँ पे मेरी स्क्रीन देखो, मैं खेलता हूँ जायरो, तो जायरो में स्क्रीन मैंने इतना ऊपर कर दिया कि स्क्रीन रोटेट हो गई। फिर रोटेशन के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन होता ना, वो उसको मार्क को हटा के सेटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। यहाँ पे एक भैया आए थे, उसको मारा, फिर बॉडी थे वो शायद। फिर मैंने सोचा थोड़ा आगे रश करता हूँ, ना हेलमेट है, ना वेस्ट है, ना हेल्थ है, ना कुछ भी नहीं है। तभी मुझे लेफ़्ट से फायर की आवाज़ आ रही है, लेफ़्ट से बंदे मार भी रहे हैं। सामने से भी बंदा जी, बॉट भैया उमर ऑलिव, इनसे मुझे मिल जाती है एक हेल्थ किट। अब गेम प्ले एंजॉय करें, मैं पानी पी लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे मैं खड़ा हो गया, तो ये गेम प्ले काफ़ी अच्छा हुआ था, ठीक है। सोलो स्क्वाड में कम होता है ऐसे, ठीक है, गेम्स काफ़ी अच्छे वाले, तो ये गेम प्ले काफ़ी अच्छा हुआ था। इसमें मैंने वो खुद ही देख लेना फाइनल में कितने किल्स होते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे किल्स हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक और भैया है यहाँ पे, उनको मुझे ये समझ नहीं लगती, पबजी में कभी कभी ये ग्लिच होते हैं, काउंट नहीं हो रहा था, लेकिन गोलियाँ उसको लग रही थी, काउंट नहीं हो रहा था, फिर अचानक से वो किल फीड में नाम आ गया, किल्ड फ्लॉप ब्ला 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 ऐसे। और इसको पिंग देखना 360, इससे कम हो ही नहीं रहा आजकल, पता नहीं क्या इशू है। पिंग का बहुत ही बड़ा इशू है, मतलब मुझे पिंग बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। पिंग की वजह से काफ़ी गेम्स हाथ से निकल रही हैं। अब बंदा 400 के पिंग में क्या खेलेगा। यूट्यूबर्स होते हैं कुछ जो 40 के पिंग में कहते हैं कि 40 पिंग आ रही हो MS40 की, तो उनसे गेम प्ले अच्छी नहीं होती। और हमें देखें 400 के पिंग में गुजारा करके खेल रहे हैं, चलें। और यहाँ पे एक भैया हैं, उनको मारने के बाद मैंने सोचा था गन थोड़ी सी चले मेरी, वो उस SMG में MO फिर से ख़त्म, ठीक है, वो स्कारल में MO ख़त्म हो गई है। स्कारल में MO मुझे नींद आ रही है, रात के बजे हैं 2 और मैं एडिट कर रहा हूँ, वॉइस ओवर दे रहा हूँ इस वीडियो को। फिर भी पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रहे आप, नहीं कर रहे हैं मजाक कर रहा हूँ। और ऑलवेज कीप सपोर्टिंग, ये मैं कुछ ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से, क्योंकि मैंने 500 सब्स करने हैं जल्द से जल्द, और मैंने वॉच टाइम भी कंप्लीट करना है। वॉच टाइम कंप्लीट जो बहुत, अभी तो बहुत टाइम है वॉच टाइम कंप्लीट होने में, लेकिन इंशाल्लाह कर लूँगा। तो वीडियो भी थोड़ी लेंथी बना रहा हूँ ताकि वॉच टाइम ज़्यादा जल्दी कम्प्लीट हो जाए, और गेम प्ले इम्प्रूव कर रहा हूँ जितना हो सकता है इम्प्रूव। और अब मैं यहाँ पर मैं गेम की बात करता हूँ, अब अपनी बात नहीं करता, यहाँ पे आते बताता हूँ मैं आपको। ये वही है जी वाइपर टाइगर भैया, जिनका प्लान में नाम आया था, तो शायद अभी इनके साथ फाइट होगी, काफ़ी अच्छी फाइट होगी, ज़्यादा ही
मुझे सच में बहुत नींद आ रही है। मैं ये एडिट करके सो जाऊंगा और सुबह अपलोड करूंगा। जब नमाज के लिए उठूंगा ना तो मैं अलार्म रख के सो जाऊंगा, तो नमाज के लिए 5 बजे या 6 बजे उठ के ये अपलोड करूंगा। उस वक्त अगर वाईफाई ठीक चल रहा होगा तो अपलोड कर दूंगा, अगर इंटरनेट उस वक्त ठीक नहीं चल रहा होगा तो मैं शाम को ही अपलोड करूँगा, क्योंकि कल तो मैं पबजी नहीं खेलूँगा, कल तो पेपर की तैयारी है। पर अब यहाँ पे उस भैया को काफ़ी डैमेज देने के बाद मैंने सोचा चले रश कर लेते हैं जी। डैमेज तो है बंदा और पैनिक भी है, और उसने मेरी गाड़ी देखी है तो उसको ये भी पता है कि ISI लिया है, क्योंकि बाकी जिस किसी ने भी विनर पास नहीं लिया हुआ था। तो ये बंदा बहुत पैनिक था, इसकी हरकतों से लग रहा था, अंदाज़ा हो रहा था पैनिक हो गया था ये। अब मैंने थोड़ा सा क्रॉप्ड किया यहाँ पर, मैंने ऊपर जाने का नाटक किया ठीक है, ताकि उसको शक हो कि मैं ऊपर गया हूँ। तो मैं भाग रहा था थोड़ा सा दूर जाके ताकि मैं उसको एंगल लेके मारूँ। उसके पास शॉर्ट गन है और उससे M4 है, फिर भी नहीं मर रहा। मैं काफ़ी अच्छी स्प्रे नहीं दे पा रहा था, अच्छी स्प्रे देता तो मैं शायद जापता भी। जैसे मैं वाइपर भैया को लूट रहा था, पानी में एक भैया है जी, पता नहीं बहुत है रियल है, Romano 157। इनको लूट करने के बाद हमें मिल जाती है जी एनोनिमस भैया की पहली मोहब्बत। एनोनिमस की पहली मोहब्बत को हम यूज़ कर रहे हैं, अस्तग़फ़ार। ओम की बात कर रहा हूँ, तो ओम लेते हैं हम, ओम उठा लिया जी। और अब ओम लेके हम जा रहे हैं जोन, तो जोन जाते 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 रास्ते में बंदे दिखेंगे, एक दो बंदे दिखेंगे, यहाँ पे भी एक दिखेगा। यहाँ पे बस इतना अच्छा नहीं मार रहा था, ये ऐसे सिंपल आके बैठ गया भाई। ये देखिए, चाहे थे मुझे मार भी लेता, पेड़ के पीछे से पिक करके मारा इनको। और अब मैंने सोचा गाड़ी लो ना लो, गाड़ी लो ना लो, फिर मैंने डिसाइड किया गाड़ी नहीं लेता, छोड़ो। यहाँ तक गाड़ी लेने के लिए गया था, फिर मैंने सोचा नहीं गाड़ी कैंसिल, मैं जाऊँगा जी ऐसे पैदल पैदल पया पया ठीक है। यहाँ पे ये देखो भैया पता नहीं किसको मार रहे हैं, लेकिन जिसको भी मार रहे हैं वो प्ले जोन से जाता है। अभी मैंने इसको मारा, किलफिट में नाम आया। अब इसके बाद प्ले जोन से जो बंदा गया वो यहीं पे गया, इसने जो गोलियाँ चलाई है ना, जो जिसको मैंने मारा था उसका डैमेज हुआ है वो बंदा जो अभी प्ले जोन से गया। यार अब उसके बाद दूर फाइट हो रही है यहाँ पे। हाँ मैंने बंदे को देखा, मैंने रनिंग हेडशॉट लेने का ट्राई करूँगा, लेकिन नहीं लगेगा, मुझे यकीन है 3 एक्सिस रनिंग हेडशॉट 95% इम्पॉसिबल ही होता है। इसको मारने के बाद जो बंदा यहाँ पे है उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि यहाँ, फिर वो पीछे घर में आया इसी इसमें, हाँ ये देखें रेड घर में, तो मैंने उसको देखा था। तो मुझे पता है कि 3 बंदे अलाइव हैं, एक तो मैं हूँ, बाकी ये 2 हैं ठीक है। तो ये एक बंदा ये देखें ये यहाँ पर आया, तो इसको बॉडी लगी, तो मुझे पता है इसकी हेल्थ कम है। यार भाई ऐसे का इससे, और जैसे मैंने टर्न किया सामने मुझे गाड़ी नज़र आई, तो मुझे यकीन हो गया बंदा भी वहीं पे जब हेड निकाल के बैठे हुए हैं। तो ये ले पट से हेड शॉट, और ये हमें मिला है जी विनर विनर चिकन डिनर अल्हम्दुलिल्लाह विद 14 किल्स। आफ्टर लॉन्ग टाइम एक अच्छा गेम प्ले बना है, तो मैं आधी रात को जाग के वीडियो एडिट कर रहा हूँ ठीक है। तो थैंक यू पब्लिक, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल। और मैं नेट करता हूँ एंड पे, और स्केट ऑन करके मैं थोड़ा जंप करता हूँ, बट नहीं है जी मेरे पास नेट, क्योंकि मैंने इस दफ़ा लूटी इतने नहीं की। तो बस जो भी है गुजारा कर लें, और अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द 500 सब्सक्राइबर्स कर दें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, कुछ भी करें, लेकिन मेरे 500 सब्सक्राइबर्स कर दें जल्दी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू माई पब्लिक, कीप सपोर्ट।